हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बताएंगे आपको पाइल कंस्ट्रक्शन का प्रोसीजर क्या होता है। पाइल कंस्ट्रक्शन दिया कहाँ जाता है? जहाँ की सॉयल बियरिंग कैपेसिटी कम होती है वहाँ पे पाइल फाउंडेशन दिया जाता है। ये एक डीप फाउंडेशन होता है, ठीक है। जहाँ की लोड बियरिंग कैपेसिटी 24 किलोमीटर पर स्क्वायर मीटर से कम होती है वहाँ पर पाइल कंस्ट्रक्शन किया जाता है, ठीक है। अब किया कैसे जाता है? सबसे पहला काम होता है स्टार्ट पाइल बोर ड्रिलिंग बाय मैट मशीन। एक मैट मशीन आता है, उससे हम पहले बोर करते हैं, ड्रिल करते हैं, ठीक है। और छोटा अगर पाइल है, कम डेप्थ का है, तो वहाँ पे ऑगर एक लगा रहता है, ट्रैक्टर वगैरह से मैनुअली भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर बड़ी पाइल है तो वहाँ पे ड्रिल मशीन का यूज किया जाता है, जो कि मैट मशीन होता है, ठीक है। स्टेप टू में क्या होता है? केसिंग इंस्टॉलेशन फर्स्ट विद ड्रिल बिटवीन 3 to 5 मीटर। आफ्टर 3 to 5 मीटर ड्रिल इंस्टॉल केसिंग पाइप। जो केसिंग पाइप होता है उसको 3 से 5 मीटर डेप्थ तक जब एक्सकवेशन कर लेते हैं, ड्रिल कर लेते हैं, सॉरी एक्सकवेशन इस भाषा में नहीं बोला जाता, ड्रिलिंग कर लेते हैं, तो उसके बाद हमें केसिंग पाइप डालना होता है। केसिंग पाइप इसलिए डाला जाता है, जो कि सॉफ्ट सॉइल होती है उसे, जो पिट होता है, एक्सक्वेटेड पिट होता है, जैसे कि ये पाइल का के लिए एक्सक्वेशन किया गया है, ठीक है। तो इसमें जो ये सॉइल होती है, इस साइड की सॉइल होगी, ठीक है। तो ये जो सॉफ्ट सॉइल है, इसको कोलैप्स होने से रोकने के लिए एक केसिंग पाइप लोहे का आता है, उसे डाल दिया जाता है, ठीक है। इस साइड में डाल दिया जाता है। वो जो केसिंग पाइप का विड्थ होता है आपके पाइल के बराबर होता है, ठीक है। इससे आपका जो सॉफ्ट पाइल होगा वो गिरेगा नहीं, सॉफ्ट सॉइल, ठीक है। और अगर ये केसिंग पाइप नहीं डालते हैं तो क्या होगा? सॉफ्ट सॉइल एक्सक्वेटेड पिट में जाके गिर जाएगा, जिससे आपको बार बार एक्सक्वेशन करना होगा, इसलिए आपको केसिंग पाइप डालना होता है। स्टेप थर्ड में क्या है? आफ्टर इंस्टॉलिंग आप केसिंग पाइप, बोरिंग कंटिन्यू विद द पॉलीमर या बेंटोनाइट मिक्स। यानी कि जब आप केसिंग पाइप डाल देंगे, उसके बाद अगर केसिंग पाइप तो होता है 8 से 10 फीट के बीच में, ठीक है। तो उतने के बाद जब एक्सक्वेशन करेंगे आप, तो नीचे से पानी आने की संभावना रहती है, अगर ज़्यादा डेप्थ में जाएंगे तो। उस केस में आपको पॉलीमर मिक्स या फिर बेटोनाइट मिक्स, एक केमिकल होता है, इसको डालना होता है पाउडर के रूप में, ठीक है। इसे मिक्स करके डालना होता है, जिससे आपका जो मिट्टी का कटाव होगा उसे वो रोकेगा, ठीक है। तो इसको स्टार्ट कर देना है जब तक कि आपका बोर कंप्लीट ना हो जाए। इसके बाद स्टेप चार में क्या करना होता है? जो पॉलीमर मिक्स करेंगे उसका विस्कोसिटी और पीएच वैल्यू चेक करना होता है, और कलर भी चेक करना होता है। विस्कोसिटी जो है 30 से 60 सेकेंड तक आप जार में फील कर लेंगे, ठीक है। 30 से 60 सेकेंड तक जार में फील कर लेंगे, और उसके बाद इसका विस्कोमीटर से विस्कोसिटी चेक करेंगे, ठीक है। और जो पीएच वैल्यू हो है वो 9 से 11.5 लिटमस के बराबर आना चाहिए, इससे कम नहीं आना चाहिए, ठीक है। और इसका कलर जो होगा वो पेपर कलर होगा, ठीक है। ये सब चेक कर लेना होता है, उसके बाद से बेंटोनाइट पाउडर या फिर पॉलीमर मिक्स को आपको बोर में डालना है। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है? पूरा कंप्लीट हो गया आपका एक्सक्वेशन प्रोसेस, तो आपको फिफ्थ स्टेप में क्या करना है? आपका जो केज होगा, केज मतलब जो स्टील का बना हुआ आपका रेनफोर्समेंट आप बांध के रखे हैं, उसे इसमें इंसर्ट करना होगा, ठीक है। इस ड्रिल वाले जो एक्सक्वेशन पिट है उसके अंदर, ठीक है। तो अब ये बनता कैसे है, इसकी सरिया कैसे बांधी जाती है, वो हम इस वीडियो में आपको डिटेल में बताएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं इस फिगर में, ये जो पूरा बन के तैयार होगा इसे केज बोलते हैं। और इसमें जो ये रिंग लगी है, पतली पतली रिंग जो आप देख सकते हैं, ये जो पतली पतली पूरी चिपकी हुई रिंग है ऊपर से, उसे बोलते हैं हम स्पाइरल रिंग, ठीक है। और इसमें जो मोटी सी रिंग है, ये देख सकते हैं ये कितनी मोटी रिंग है, जो इससे मोटी है, ठीक है, इसे बोलते हैं मास्टर रिंग। इसका काम क्या होता है? जो इसमें वर्टिकल बार है ये वाली, इसको स्टेबल टी प्रदान कर देने के लिए मास्टर रिंग डालते हैं, क्योंकि अगर पतली स्पाइरल रिंग डालेंगे तो उससे ये बढ़िया से सेट नहीं होगा, ठीक है। और आपके जो मेन बार स्टील है वो इधर उधर हो जाएगा, उसको पोजिशनिंग करने के लिए मास्टर रिंग हर एक एक मीटर पे डाल दिया जाता है, ठीक है। और इसके बाद इसमें कवर ब्लॉक सर्कल टाइप का लगेगा, ठीक है। सर्कल टाइप का लगेगा इसलिए क्योंकि जब ये हम एक्सक्वेशन पिट में डालेंगे, तो जब इस पे मिट्टी का टकराव होगा तो ये नीचे सरकते जाएगा, ना कि फ्रिक्टेड होगा, फ्रिक्शन होगा। अगर फ्रिक्शन ये वाला नहीं डाल के
इस तरह से रेक्टेंगल वाला डालते हैं तो उससे टच होके मिट्टी का कटाव होता है, और इससे मिट्टी का कटाव उतना नहीं होगा और हमारा जो केज है इजीली नीचे चला जाएगा। अब ये बनता कैसे है आप देख सकते हैं, जो मास्टर रिंग है पहले इस टाइप का एक साइड पे ही मैनुअली अगर हो रहा है, रिंग बन रहा है तो इस टाइप का साइड का एक फॉर्मेट बन जाता है, ठीक है, उसमें इस तरह से लपेटा जाता है मास्टर रिंग को। लेकिन मास्टर रिंग हायर डाया होता है, 16 mm करीबन होता है, ये खुल जाएगा इसलिए इसको वेल्ड करना होता है। तो इस तरह से साइड पे ही सरिया का गाड़ के आगे पीछे गाड़ के उसमें इस मास्टर को सेट किया जाता है। और ये जो आप ये स्टील देख रहे हैं इसका भी एक डाया बना दिया जाता है, ठीक है, फिक्स डाया बना दिया जाता है, और इसमें इसको फिक्स करके यहाँ पे ये वाला जॉइंट जो है यहाँ पे वेल्ड कर दिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद आपको केज के नीचे वाले हिस्से में अंदर अंदर इसको डाल दिया जाता है, ठीक है, और ऊपर से स्पाइरल रिंग डलेगा। स्पाइरल रिंग सेम प्रोसीजर है, उसको भी इस तरह से पूरा लपेट देना है, ये जल्दी जल्दी लपेट जाएगा, उसके बाद इसको छोड़ देना है, इस टाइप से छोड़ने से हो जाएगा। और इसके बाद इसको खींच खींच के इसमें ऊपर की तरफ से लेबर फिटर बांध देगा, ठीक है। इस तरह से सरिया का काम होता है। अब इसका लेवल जो है चेक करना होता है, ठीक है, लेवल तो पहले ही चेक करके सरिया डालना होता है। लेकिन लेवल चेक कैसे होगा, उसका दो मेथड होता है, एक साउंडनेस मेथड से चेक कर सकते हैं, ठीक है, साउंडनेस मेथड से इसको चेक कर सकते हैं डेप्थ कितना हुआ, और दूसरा आप जो ड्रिल कर रहे हैं जिस मशीन से उससे भी अंदाज़ा लग जाता है, ठीक है। इसके बाद सातवां नंबर जो आता है वो है क्या, आप इसमें आप इंस्टॉल करेंगे ट्रिमी पाइप, ठीक है, ट्रिमे पाइप। ट्रिमे पाइप जो होता है उसकी लेंथ जो होती है 1.5 मीटर से 2 मीटर के बीच में होती है, ठीक है। अगर आपको 10 मीटर का पाइल करना है तो आप लगभग 2 मीटर का चार ले लेंगे, 4 पीस यानी 8 मीटर हो गया, और 1.5 मीटर का एक ले लेंगे, 1.5 मीटर का एक, तो ये हो गया 9.5 मीटर, यानी 9.5 मीटर का एक ट्रिमी पाइप लेंगे आप, ठीक है। ये ट्रिमी पाइप हो गया, आप का जो स्टील बंधा हुआ है यहाँ तक बंधा हुआ है, लेकिन ट्रिमी पाइप आपका यहीं पे आ जाएगा यानी 0.5 मीटर पहले ही, ठीक है। और उसके बाद इसमें हॉपर लगा होगा, हॉपर के थ्रू कंक्रीट होगा, और जैसे जैसे कंक्रीट होता जाएगा ये ट्रिमी पाइप ऊपर करते जाएंगे, ठीक है, एक एक ट्रिमी पाइप ऊपर करके निकालते जाएंगे ऊपर से। इसलिए ये ट्रिमी पाइप लगाते हैं, अगर हमारा कंक्रीट कर रहे हैं वो 1.5 मीटर हाइट से अगर ज़्यादा है तो सेग्रेशन आ जाएगा, इस वजह से ट्रिमी पाइप लगाते हैं। और नीचे पिट में पानी होगा, ठीक है, जब जैसे जैसे कंक्रीट होते जाएगा, और इसके सहायता से वाइब्रेशन भी होता जाता है, सेल्फ कंपैक्शन कंक्रीट होता है ये, और इससे कंपैक्शन भी होता जाता है, और ये पाइप ऊपर खींचते जाते हैं, ठीक है। और ये ट्रिमी पाइप जो है 2 से 3 मीटर सबमर्ज होता है कंक्रीट में, उससे ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है, 2 से 3 मीटर तक कंक्रीट में सबमर्ज होगा, मतलब कंक्रीट के अंदर रहेगा, उसके बाद इसको खींचते जाते हैं, ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है, 2 से 3 मीटर तक कंक्रीट में ट्रिमी पाइप सबमर्ज होता है। इस तरह से कंक्रीट करते जाते हैं, इसके बाद कंक्रीट मान लो यहाँ पे हमारा लेवल है यहाँ तक हो गया, इसके बाद 1 मीटर एक्स्ट्रा करते हैं, और उसके बाद इसको चिपिंग करने के बाद इसकी स्टील दिखा के यहाँ पे पाइल कैप बांध देते हैं। एक्स्ट्रा इसलिए करते हैं जब इसमें पाइलिंग करते हैं तो नीचे का जो पानी होगा और मिट्टी का जो घोल होगा ऊपर जाता जाते जाएगा, और एक्स्ट्रा पानी और मिट्टी का जो इम्प्योर वाटर होगा सब ऊपर आ जाएगा, जिससे हमारा ये वाला हिस्सा वीक हो जाएगा। इसलिए हम 1 मीटर एक्स्ट्रा पाइल करते हैं, और इसको तोड़ने के बाद फिर पाइल कैप डालते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा पाइल का प्रोसीजर क्या है, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।